नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक आप चार प्रकार की संख्याएं पढ़ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक, और ये एक से शुरू होती है और इसका अंत नहीं होता और ये बढ़ती जाती है। इसी प्रकार इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होती है? शून्य। ये शून्य से शुरू होती है और इसका भी अंत नहीं होता। इसके बाद तीसरे प्रकार की संख्या आती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इसमें ऋणात्मक संख्या भी आती है, शून्य भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। और इन सब के बाद आती है प्रिमेय संख्या। अब हम जानेंगे कि प्रिमेय संख्या क्या होती है, इसमें किस प्रकार की संख्याओं को शामिल किया गया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपके पास 500 रुपए थे और आपको बोला गया कि आपको इन 500 रुपए को तीन बच्चों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? अब जैसे तीन के पास कितने हैं? 500। तो एक को कितने दोगे आप? 500/3। अब जब इस प्रकार की संख्याएं हमारे सामने आती हैं, तो हम इनको ना हम प्राकृतिक में शामिल किए थे, ना पूर्णांक में और ना ही पूर्ण संख्या में, तो इस प्रकार की संख्या को हम प्रिमेय में शामिल करते हैं। आइए अब जानते हैं प्रिमेय संख्याएं होती क्या हैं। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। शब्द प्रिमेय मतलब कि रैशनल। प्रिमेय का मतलब रैशनल होता है, कि उत्पत्ति पद अनुपात रेशो से हुई है। इसीलिए ऐसी संख्या जिसे अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, उसे प्रिमेय संख्या कहते हैं। इस संख्या में p और q दोनों पूर्णांक हैं, तथा q शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे आपने 3/8, 4/8, 5/6 इत्यादि जैसी अनेक भिन्न देखी हैं। सभी भिन्न प्रिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार 0.5, 2.3, 0.33 इत्यादि दशमलव संख्याएं भी प्रिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम इनको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को आप लिख सकते हो 0.5 = 5/10 होता है। इसी प्रकार 2.3 और 0.33 को भी आप लिख सकते हो। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप बता सकते हो कि हम 4, 5, 6 इत्यादि पूर्णांक संख्याओं को प्रिमेय संख्या कह सकते हैं या नहीं? सोचो इस बात को जरा। इसका जवाब है हाँ, कि जैसे कि आप सब जानते हो कि हम 4/4/1 लिख सकते हैं, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्याएं प्रिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिभाषा से आप देख सकते हो कि 4 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, इसलिए p/q एक प्रिमेय संख्या है, 4/1 एक प्रिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को भी प्रिमेय संख्या बोला जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे p/q है, p को अंश कहते हैं और q को हर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 4/3 दिया गया है, यहाँ पे 4 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है, अंश और हर दोनों धनात्मक हैं, इसीलिए इनका भाग भी धनात्मक होगा। और इसी प्रकार इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, और इसीलिए इनका भाग ऋणात्मक होगा। अंश और हर में से अगर कोई भी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो उनका भाग हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंश हमारा धनात्मक है और हर ऋणात्मक, और इनका भाग ऋणात्मक है।
और इसी प्रकार अगर एक और ले लो जहां पे हमारा 4/3 अगर हमारा अंश भी ऋणात्मक हो और हर भी ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो इनका भाग धनात्मक होगा। चलिए अब आपने ये तो पढ़ लिया कि परिमेय संख्याएं होती क्या है और उनमें किस प्रकार की संख्याएं शामिल की जाती हैं। और अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये संख्या रेखा, यहाँ पे हमने सभी पूर्णांकों को दिखाया है, सभी को नहीं दिखाया, 10 तक दिखाया है, और भी आगे होंगी पर हमने इतना ही दिखाया है। यहाँ पे शून्य है, इसमें इतनी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये यहाँ से लेके आगे तक पूर्ण संख्याएं हैं और इन यहाँ से लेके आगे तक सभी कौन सी हैं? पूर्णांक। और अब हम देखेंगे कि इस जैसे हमने संख्या रेखा पर पूर्णांक को दिखाया है, ऐसे हम क्या हम परिमेय संख्या को दिखा सकते हैं? चलिए अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को हम कैसे दिखा सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था कि शून्य और दो के बीच में जैसे एक आता है, मतलब जैसे दो पूर्णांकों के बीच में एक पूर्णांक आता है, इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि शून्य और एक के बीच में क्या आता है, तो इनके बीच में हम क्या इनके बीच में परिमेय संख्याएं आ सकती हैं और उन्हें कैसे लिखेंगे? जैसे हम जानते हैं कि अगर हम 0 और 1 के बीच में आधा मतलब 1/2 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 1/2 एक से छोटा है और शून्य से बड़ा। इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि 1/2 0 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसे यहाँ पे दिखाया है। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है 0/2 0/4 0/8, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे हमारा अंश 0 है और हर 2 और ये दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। और 0/2 ये भी बराबर 0 के, 0/4 ये भी 0 के बराबर है। इसी प्रकार 2/2 ये 1 के बराबर है, 4/4 ये भी 1 के बराबर है, 8/8 ये भी 1 के बराबर है। और अब हम देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। अगर आप हर 2 ले रहे हैं और अंश कितने आएंगे उसमें, एक बार 0 आ सकता है अंश, मतलब 0 आ सकता है, एक बार 1 आ सकता है और एक बार 2 आ सकता है। इस प्रकार के 3 परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। और इसी प्रकार 0/2 और 1/2 इन दोनों परिमेय संख्याओं में भी एक परिमेय संख्या आएगी, एक नहीं बहुत सारी आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमने अगर हमने मान लीजिए हर 4 ले लिया, 4 ले लिया तो इसमें क्या 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 आएगा? 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 तक जाएगा ये। और ये कितनी है? ये 3 थी और ये कितनी है? ये 5 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0/2 मतलब 0/2 और 1/2 में 1/4 आ रहा है। इसी प्रकार आप अगर हर 8 ले लेते हो, 8 को हम इस प्रकार दिखाएंगे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये 8/8 तक जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास? 9 तरीके की आ गई। और यहाँ पे हम 0/2 और 1/2 में कितनी प्रकार की ये वाली परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं? 3 प्रकार की आ गई इसमें। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हो, अगर आप हर 9 ले लो, 9/9 तक जाएगा वो और परिमेय संख्या। इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 पूर्णांकों के बीच में एक ही पूर्णांक आता था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 परिमेय संख्याओं में बहुत सी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं।
और इनका कोई भी अंत नहीं है, आप कितना भी बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पे 0/100 ले लो और यहाँ पे 100/100, मतलब 100 लिख सकते हो इनके बीच में आप, इसका कभी भी अंत नहीं होगा। अब यहाँ पे भी वही मैंने बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। असीमित संख्याएं हो सकती हैं और ये आप पहले ही देख चुके हो कि कैसे हो सकती हैं। इसलिए दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की सीमित संख्याएं होती हैं। अब ये देखिए क्या लिखा है, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की सीमित संख्याएं होती हैं। सीमित मतलब फाइनाइट, जैसे जैसे मैंने पीछे ही बताया है कि किन्हीं दो पूर्णांकों में एक, जैसे 5 और 7 में 6 आता है, एक पूर्णांक आता है, 5 और 8 में 2 पूर्णांक आते हैं, ऐसे इनकी संख्याएं सीमित होती हैं, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। पर दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब उनको आप नहीं गिन सकते हो, वो बढ़ती ही जाएंगी, बहुत ज्यादा होती हैं किन्हीं दो के बीच में। इस प्रकार ये किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। सीमित का मतलब जिन्हें आप गिन सकते हो और असीमित का मतलब जिन्हें आप नहीं गिन सकते। इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।